नमस्ते मॉम्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बेथ टब रिव्यू करने वाली हूँ। द बेथ टब नेम इज द बेबी हग बेथ टब। ये बेथ टब क्यों बेस्ट है ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जनरली मार्केट में काफी सारे बेथ टब्स यू नो अवेलेबल होते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी बेथ टब हम लें अपने बेबी के लिए वो बेस्ट हो। एंड जो बेथ टब है वो है बेबी हग बेथ टब। एंड इसके साथ आपके लिए मिल्की वॉश भी रिव्यू करने वाली हूँ। इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया था। इन केस यू वॉन्ट टू चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उनका लिंक दे दूंगी। एंड सो अ डिटेल रिव्यू ऑफ द बेथ टब एंड द मिल्की वॉश विल बी इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज द बेबी हग बेथ टब। इट कम्स अप विद अ बेथ स्लिंग। अगर आपका बेबी 0 to 6 मंथ्स का है तो ये बेथ स्लिंग आइडियल है आपके बेबी के लिए। इसमें कोई भी आप यू नो एक क्लॉथ बिछा के बच्चे को बेथ करा सकते हैं। एंड लेट मी शो यू, इसको आप यहाँ से यू नो अटैच भी कर सकते हैं। सो आप इसको अटैच कर सकते हैं। काफ़ी स्टडी रहता है ये, इधर उधर नहीं होता है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बेथ टब। सो न्यू बॉर्न टिल 2.5 से 3 साल के बच्चों के लिए बेथ टब आइडियल है। आना भी 2.5 साल का हो गया एंड वो स्टिल इसमें बेथ करता है। अगर हम इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी देखें तो इट्स वेरी गुड, काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छी क्वालिटी है इसके प्लास्टिक की। कोई भी शार्प एजेस नहीं है। ये जो अगर आप ये भी कोना अगर मैं अपना हैंड लगा रही हूँ तो इट्स वेरी सॉफ्ट, मतलब काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। द प्लास्टिक इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। इसके अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसके बगल में आपको 2 डिस्पेंसर्स मिलते हैं। यू नो जनरली क्या होता है, जो हमारे पास बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली हमारे पास बड़ी बॉटल्स में होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है बेबी का, शैम्पू, बॉडी वॉश, वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं एंड यू कैन सिंपली कीप इट हियर। तो काफ़ी ईजी रहता है। 2 डिस्पेंसर्स आपको यहाँ पर गिवन है एंड यू कैन ईजली यूज़ इट। ओके, एक और चीज़, अगर आपके पास कोई भी छोटी बॉटल्स है, जैसे मैं अभी आन के लिए बेबी हग मिल्की वॉश हेड टू टू यूज़ कर रही हूँ, तो आप उसे भी यहाँ पर रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये भी बेबी हग का। इट इज़ बेबी हग हेड टू टू मिल्की वॉश, पीडियाट्रिशियन अप्रूव्ड है। इसमें मिल्क फॉर्मूला है, मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला। इट हैज़ पावर ऑफ नेचुरल्स। इट इज़ जेंटल क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। आप इसको बच्चे की हेयर और बॉडी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छे से सूट करता है आन के लिए। And it's moisturizing, it has aloe vera, it has nourishing wheat germ oil, it has hydrating glycerin, dermatologically tested, gentle है, mild है और काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें ingredients हैं। अगर हम इसके description की बात करें तो इसके description में ये लिखा है कि आपके बच्चे की skin को काफ़ी अच्छा रखता है। नहाने के बाद जो बच्चे की skin है वो काफ़ी अच्छे से रहती है, आन की skin काफ़ी अच्छे से रहती है after you know using this milky wash for आन। एंड इसके अदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें प्योरीफाइड वाटर है, सोडियम है और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं जो कि परफेक्ट बनाते हैं, आइडियल बनाते हैं कोई भी अगर यू नो वॉश हम अपने बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इट्स फॉर 195 रुपीज़ फॉर 200 ml। सो इट्स अ थम्स अप फॉर द बेबी हग मिल्की वॉश हेड टू टो। सो फॉर नाउ मैं इसको आन के लिए यूज़ कर रही हूँ। एंड इसका एक और फीचर है जो इसको बहुत यूनिक बनाता है इस बेथ टब को, वो है इसका ये जो वाटर का टेम्परेचर मेजर करने का है वो है। जनरली जो भी अधिकतर मॉम्स की टेंशन होती है कि कैसे मेजर करें वाटर का टेम्परेचर, तो ये मेजर करता है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि कैसे आप वाटर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं एंड हाउ आई विल मेक माई बेबी टेक बाथ इन दिस। मीटर में मैंने पानी भर लिया है और ये जो मीटर है ये क्लियरली शो कर रहा है वाटर का टेम्परेचर। सो आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आपको डिसाइड करना है कि यू नो कि पानी कितना गर्म है और कितना ठंडा। यू कैन ऑलवेज मेजर द टेम्परेचर। ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस बेथ टब का। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें दैट इज़ फॉर 3295, बट यू कैन ऑलवेज गेट इट ऑन डिस्काउंट्स। अगर हम बात करें कि इसका जो अभी वाटर आपने भर तो लिया, अब इस पानी ये ड्रेन कैसे होगा, तो सिंपली हम क्या करते हैं, यू जस्ट टेक दिस आउट। आप इस मीटर को जैसे ही हटाएंगे नीचे से जो पानी है वो ड्रेन होना शुरू हो जाता है। सो जो पानी का ड्रेन होने का यू नो पॉइंट है दैट इज समथिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको हटाएंगे पानी ड्रेन होना शुरू हो जाता है। सो अभी मैं इसको दोबारा फिर से लगा रही हूँ लाइक दिस। ओके, सो पानी ड्रेन करना है तो आप सिंपली इसको ऊपर करेंगे और पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा। सो अ थम्स अप फॉर द बेबी हग बेथ टब।
सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो मॉम्स, आई होप यू लाइक इट. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो आपको कैसा लगा. सो द बेबी हग बेथ टब एंड द बेबी हग मिल्की वॉश अ मस्ट बाय प्रोडक्ट फॉर ऑल द मॉम्स. आई हाईली रिकमेंड टू ऑल द मॉम्स टू फॉर श्योर बाय दिस प्रोडक्ट. एंड येस, इफ यू न्यू टू माई चैनल सो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वीडियो कैसा लगा है. टिल देन बाय. नमस्ते मॉम्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.